इस वक्त मौजूद है भद्रकूट में। हमारे साथ एक मशहूर सिंगर है जो मुंबई से आए हैं, आदित्य सारस्वत। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले आप कश्मीर आए हैं, इस भद्रकूट की इस खूबसूरत वैली में आए हैं, तो क्या फीलिंग रही, क्या कहेंगे? सवाल से आपको काफ़ी प्यार मिला है, काफ़ी ऑडियंस कभी देखा नहीं था। मेरे से ज़्यादा मेरी ऑडियंस मुझे चेयर अप कर रही थी, इस वजह से शायद इतनी देर तक प्रोग्राम कर पाए, परफॉर्म कर पाए। वो एनर्जी और वो फौजी भाइयों की जो मेहनत या जो रंग लाई, शायद इससे मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बताने को कि ये ऐतिहासिक था। अभी तक का भद्रकूट का फेस्टिवल पहली बार हुआ और इस तरह का फेस्टिवल, मतलब काबिले तारीफ। काफ़ी देर तक आप आए, थके नहीं आप? थकना हमें लग रहा है, जो हमारी वीर जवान जो हैं वो हम लोग से ज़्यादा कर रहे हैं मेहनत, और वो जब ये थक रहे तो हमारा तो मामूली सा काम है। नितिन भाई ये लोग जो कर रहे हैं देश के लिए, उसके सामने हम लोग का काम बहुत ही छोटा है। सच बताए तो थकने की तो बात भी करना मतलब गुनाह है, बिल्कुल भी नहीं। तो आपने कश्मीर के अंदर टैलेंट भी देखा है, यहाँ के जवानों के अंदर कमाल का, और उस टैलेंट को निखारने के लिए आपकी क्या पहल रहेगी आके? पहल मेरी यही रहेगी कि जब भी मेरी ज़रूरत होगी, आके जवानों को एक म्यूज़िक सेशन ज़रूर देंगे। उनके साथ सुर और लय का एक अलग सा संगम करने का मेरी दिली तमन्ना है कि उनको म्यूज़िक से रूबरू कराएंगे, क्लासिकल अपना शास्त्रीय संगीत क्या है उससे उनको अवगत कराएंगे। तो यही मेरी पहल रहेगी। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर, भद्रकूट।